हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है वेनसडे। वेनसडे है ना? हाँ, शायद वेनसडे या ट्यूसडे, पता नहीं। आजकल मेरे को दिन और ये सब पता नहीं पड़ रहा है। और गाइस, अब सुबह से जो मैं काम कर रही थी, 6 बजे से उठ गई थी और 6 बजे से काम चालू हो गया था। तो बस उस बीच में उधेड़बुन में मुझे अभी 9:30 हो गए हैं गाइज, और मुझे पार्लर पे भागना है। जो नए आए उनको बता देती हूँ कि मेरा ब्यूटी पार्लर है और आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल। और क्या, बस रूटीन चालू है मेरा। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है एग्जीबिशन का, तो आप लोग भी देखिए वो वाला वीडियो, बहुत अच्छा बना है। और गाइस, चलिए अब मैं निकलूंगी पार्लर के लिए। और फटाक से कैमरा उठाया और मैंने सोचा आज व्लॉग स्टार्ट कर दूं, क्योंकि आजकल व्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ। और रोज सोचती हूँ ये काम करूँ वो काम करूँ, लेकिन काम है कि होता ही नहीं है। कल तो मैंने कुछ खाना भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, और उसके बावजूद मुझे इतना टाइम हो गया ना, लेट हो गया था। आज भी मैं तो लेट ही हो गई हूँ। 10 मिनट्स में मैंने शावर लिया जैसे जैसे, फटाफट और रेडी हो गई हूँ। तो इसीलिए आपको मेरे मुंह पे सारा पसीना वगैरह लग रहा होगा। और अतिथि आ रही है फ्राइडे को, तो मुझे दोनों रूम पूरी तरह अरेंज करने हैं, साफ सफाई करनी है, क्योंकि जय भी आएंगे और अतिथि भी आएगी, तो पूरा सब पसारा पड़ा हुआ है, वो सब संभालना है। रोज रोज सोचती हूँ रात को आके करूंगी, रात को आके, रात को बच जाते हैं 11 और नहीं आ पाती हूँ। इस बार तो सैटरडे संडे में लाइव भी नहीं आई हूँ, और गाइस मुझे डेली लाइव आना है, पर फिर भी मैं नहीं आ पाती हूँ। रात को मैं इतना थक जाती हूँ ना कि मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। और गाइस, आप सोचोगे ये क्या बोल रही है, पर बस ऐसे ही सब चलता रहता है गाइस पूरा दिन। कल शादी की सीजन थी, तो 3-4 जन रेडी होने के लिए आए थे, तो उनको रेडी किया। और बस क्लास वालों का कोई सपोर्ट नहीं है मुझे। क्लास वाले फक सिर्फ दो दो बजे आते हैं और 5 बजे चले जाते हैं, उनका कोई भी सपोर्ट नहीं है। दूसरे पार्लर में क्लास वाले मॉर्निंग से लेके रात तक रहते हैं और पूरा पार्लर हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि उनको सीखना है। अगर वो 3 महीने में 4 महीने में पार्लर हैंडल करना नहीं सीखेंगे तो कैसे करेंगे। पर यहाँ कोई समझता ही नहीं है। एक बार जो आदत पड़ गई है वो पड़ गई है। स्पेशली क्लास वालों, मैं आप लोग को बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग बिल्कुल कॉपरेट नहीं करते हो, बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करती हो। आपको कॉपरेट करना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे पास, 12-13 स्टूडेंट है, पर फिर भी वो लोग एक भी जन कोई भी कॉपरेट करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं भी जानती हूँ वो लोग आधे तो उसमें मैरिड है। मैरिड लोग को ससुराल का सारा बंधन रहता है, तो वो नहीं आ पाते। पर जो कुंवारे हैं उन्होंने तो कॉपरेट करना चाहिए। पर मैं आज 25 साल से देख रही हूँ जो लड़कियां हैं, वो बस मैं बीमार थी, मैं ये था, मैं वो था, उसी में उनका बस ये हो जाता है। और ठीक है, आप लोग की मर्जी, जैसे सीखना है वैसे सीखो। गाइस, मेरा काम तो मुझे करना ही पड़ता है, मेरे को तो मुझे रोज का उनको सिखाना है वो सिखाना ही है। और बस तो गाइस, आप लोग ने मेरे वीडियो देखे कि नहीं, कैसे लग रहे हैं? और मैं चाहती हूँ मैं रोज व्लॉग बनाऊँ, पर बना नहीं पा रही हूँ। पर अब अतिथि आ रही है ना, तो मैं अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी उसके साथ साथ में, क्योंकि अकेले अकेले मुझसे हो नहीं पा रहा था, तो अब अतिथि का सपोर्ट मिल जाएगा। तो अतिथि के साथ बहुत फन मस्ती करने वाले हैं, होटलिंग, घूमना फिरना सब होने वाला है। मेरे बाल देखिए, ये मैसी हो जाते हैं क्योंकि मैंने अभी तक कोम नहीं किया है। और मैं फटाक से पहले मैंने सोचा वीडियो शूट कर लूँ, मुझे जाने के लिए लेट हो जाएगा। तो गाइस, चलिए अब चलते हैं पार्लर पे और मैं दिखाऊंगी आगे आगे मैं क्या करती हूँ। गाइस, मैं क्लाइंट का कुछ भी शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं अच्छा लगता है, इसलिए क्लाइंट का कुछ भी शूट नहीं करती हूँ। पर मैं जो करती हूँ क्लासेस में थोड़ा बहुत, तो मूड रहता है तो उस दिन शूट करती हूँ। तो देखते हैं आज मैं क्या शूट करती हूँ आप लोग के लिए। और गाइस, जो भी नए आए हैं वो मेरे चैनल पे बने रहिए। आपको मेरे चैनल पे ब्यूटी, कुकिंग वगैरह सब कुछ, व्लॉगिंग सब कुछ मिलेगा गाइस। और आप नया नया सीखोगे, जैसे हेयर स्टाइल है, मेकअप है, वो सब। गाइस, मैं बहुत अच्छे अच्छे मेकअप दिखाऊंगी, पर मेरे पास सब टाइम नहीं होता है, तो जैसे अतिथि आती है तो टाइम ये कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, और फिर मैं अच्छे से सारा
आपको शूट करके दिखाऊंगी। ओके गाइस, तो तब तक आप मेरे बैक टू बैक वीडियोस एंजॉय कीजिए ना। वो सारे वीडियो भी बहुत अच्छे बने हैं, रिबॉन्डिंग का है, हाइलाइट्स का है गाइस वीडियो। आपको क्या चाहिए, सारा ब्यूटी का उसमें सब कुछ है, ऑयली मेकअप डाला है, सब कुछ डाला है। आप देखिए बैक, मेरे बैक वीडियोस देखिए, और नई मेकअप के वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे रशिया के वीडियोस देखिए, जो मैं रशिया घूमने गई थी उसमें भी आप एंजॉय करोगे। तो गाइस तब तक आप मेरे वीडियोस देखिए और मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। ओके, अभी मैं घर जाऊंगी और घर से मम्मी को पिकअप करूंगी पार्लर के लिए, और फिर जाएंगे पार्लर पे, और मेरे बच्चे आएंगे। आप जानते हो मेरे मेरा प्ले स्कूल है, मैं अपने बच्चों से मिलवा चुकी हूँ आपसे, तो आज मेरे बच्चे आएंगे गाइज। उसमें दो बच्चे हैं ना, दो तो क्या, दो सेटल हो गए, लेकिन एक बच्चा है ना वो थोड़ा बड़ा हो गया है, और वो ऐसे उधम मचाता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो मेरे जैसे ही हैंडल कर लेती है, और मॉर्निंग में क्लाइंट भी रहते हैं और फिर बच्चे, और उसमें टीचर नहीं आई थी तो कल तो मेरी पूरी तरह वाट लग गई थी गाइस। ये मेरा क्लिप, मैं अभी बाल में लगाऊंगी, और चलिए अब निकलती हूँ पार्लर के लिए। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। देखो गाइस, ये है नमस्वी और ये है कृषा। नमस्वी ने कितना मस्त लिख दिया, हार्डली उसको दो तीन एक हफ्ता हुआ है वो आ रही है, पर वो 0 और 1 बना ले रही है। देखिए गाइस, देखिए नमस्वी हाय बोल, सुनो हाय बोल, इकड़े बग कैमरे में हाय बोल, हाय हाय भी बोल रही है देखो आपको। और ये आ गई है कृषा, पर कृषा लिखने में बहुत लेजी पना कर रही है, और आज बच्चे कम आए हैं। हाँ बोलो बेटा, पेंसिल टूट गई पता है। कृषा, ए कृषा हाय बोलो। तो गाइस आज मेरे पास प्ले स्कूल में थोड़े बच्चे कम आए हैं, अभी आएंगे, 11:15 ही बजे हैं तो आते ही होंगे। झालो, सबके बैग कितने प्यारे प्यारे हैं, देखिए झालो ने लिया ऐसा है। तो गाइस अब हो गई है दोपहर, और खाना वाना मैंने खा लिया है। आप बोलोगे मैं कहाँ थी इतनी देर से, तो इतनी देर से मैं बस काम कर रही थी, बच्चे आए थे, और देखा ना अपने बच्चे लोग कितना अच्छे से राइटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता रही हूँ एक हेयर स्टाइल, थोड़ा बहुत इनोवेटिव करके, उसमें नया कुछ करके। तो चलिए मेरे साथ आप भी सीखिए हेयर स्टाइल। ओके, तो आज के हेयर स्टाइल में मैं यूज़ करूँगी ये वाला बन, और ये पफ के लिए यूज़ करूँगी मैं, ठीक है। तो ये सब मिला के एक नया हेयर स्टाइल, इनोवेटिव हेयर स्टाइल हम करते हैं। ओके चलिए सीखते हैं। बोलोगे ये बीच में शादी कहाँ से आ गई, तो यह शादी वाले बैंड बज रहा था तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया। चलिए हम बैक टू अपने हेयर स्टाइल पे जाते हैं। तो गाइस चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। बीच में शादी आ गई थी तो शादी का देखने चले गए थे थोड़ा सा बाहर, जो मैंने आपको भी दिखा दिया। तो ऐसे मिडल पार्टिंग करेंगे और पार्टिंग लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे ये वाला पफ हम लोग लगाएंगे ताकि ये पफ बराबर से आ जाए। अब यहाँ पे सेकंड पार्टिंग लेंगे हम, इसको पैक कर देंगे।
तो जाएगा समंदर। तो गाइस इस तरह से ये ट्विस्ट करके हम पीछे से इसको पॉप बना देंगे। ये ले ले। इस तरह से पिनअप कर दिया है। निकाल पाल तो गाइज यहाँ पे हमने पफ लिया है और यहाँ पे एक रबर बैंड लगाया है इस तरह से। अब ये बन हम लोग यूज करेंगे। इस तरह से पफ बिठा दिया है। मुझे यू पिन देना थोड़ी। तो फिर यहाँ साइड ले सकते अंजलि। देखिए इस तरह से अंजलि। तो गाइस इस तरह से मैंने यूपिन लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर मदद करते हैं। ये देखिए हमारा पूरा पूरा बन रेडी हो गया है। इसके दो पार्ट कर लेते हैं, अच्छे से कोम कर लेते हैं। ट्विस्ट कर लिया है। तो गाइस इस तरह से एक के अंदर एक मैंने ट्विस्ट कर लिया है। इसको थोड़ा सा हम लूज कर लेंगे। इस तरह से लूज करके अब इसको ऐसे दे देंगे। तो गाइस ये इस तरह से रबर को दिखने नहीं देना है हमने। बहुत अच्छे से ये हमारा स्टाइल हो गया है। तो गाइस इस तरह से हमारे ये पीछे का बन रेडी हो गया है। ये जो ट्विस्ट किया था, जहाँ जहाँ रबर दिख रहा है वहाँ पे यू पिन से हमने छुपा देना है इस तरह से। ये हमारा पफ है और ये बन है, ये दोनों रेडी हो गया है। अब उसको आगे का थोड़ा सा शेप लेना है।
तो गैस एक थोड़ा सा बाल हमने ऐसे निकाल लिया है इधर, और इसको अब हम ट्विस्ट करेंगे। बेटा यू पिन चाहिए, प्रॉपर येते है ना अंजलि? ये पिन ले बेटा, यू पिन देना। और एक यू पिन देना। डे यू पिन, एक साइड का पोर्शन हमने इस तरह से सजा दिया है। गाइस इसको स्प्रे मारेंगे ना तो बहुत अच्छा दिखेगा। आगे का एक पोर्शन भी हम निकालेंगे क्योंकि हमें लंबा सा ये चाहिए। गाइस देखिए ये दो पोर्शन मैंने आगे से निकाल लिए हैं। जिस तरह हमने इधर जैसे बनाया है ना वैसे इधर भी बनाएंगे। काय झालं हो? गाइस जितना पतला पतला पार्टिंग लेंगे ना उतना अच्छा आएगा। फिर अब मैं पतला पतला लेने जाऊंगी ना गाइस तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं मेरे हिसाब से ले रही हूँ।
ऐसे राउंड बना के हमें रख देना है। ये देखिए राउंड पूरा बन रहा है। तो ऐसा करने से ना हमारा मेसी लुक आ जाएगा एकदम से। काजल उधर से। नहीं नहीं देखना वायर वाला टोंग है, टोंग मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, रोल करने वाला जैसे आयरनिंग मशीन कैसा है वैसा। नीचे है मिला। पीस भी बड़े वाले लेके आए लोग, छोटा वाला। तो गाइस इस तरह से मैंने पूरा मैसी लुक बना दिया है। बस थोड़ा सा ये देखिए, अब हम ये बालों को थोड़ा सा सेट करेंगे। साइड में पूरे नहीं है या साइड लिए। गाइस इस तरह से ये टॉम की मदद से हम लोग बालों को स्ट्रेट कर्ल्स कर लेंगे। हार्डली 20 सेकंड में ही हो जाता है गाइस। देखिए 10 सेकंड में ही, देखिए इतना अच्छे से ये पूरा, और जो ये लुक आएगा ना बहुत अच्छा दिखता है। ये बालों को हम पीछे की साइड थोड़ा सा सेट कर देंगे इस तरह से। फिर आप देखो तो इस तरह से ये मैंने टोंग की मदद से कर दिया है और मेरा हेयर स्टाइल इस तरह से पूरा मैसी लुक आ गया है पूरा। देखिए खलती बगा ये देखिए इस तरह से ये पूरा मैसी लुक, और बहुत अच्छा दिख रहा है पूरा। तो गाइज ये हमारा मिक्स मैच मैसी बन अच्छे से सेट हो गया है, दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज ये हेयर स्टाइल थोड़ी लंबी हुई है, पर आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बेटा तू फ्रेम मधून बाजूला जा। मस्त लगी गाइस। देखिए ये बंगाली साड़ी स्टाइल मेरे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आई है और अच्छा दिख रहा है, एकदम मस्त दिख रहा है पूरा। चलो अभी डांस करेंगे, डोला रे डोला रे डोला रे डोला।
गाइस जो डोला डोला वाली साड़ी हम लोग ने पहनाई है, प्रैक्टिस की है इजी मेथड से। अरे पहले ही पल्लू कहाँ ले लिया, पहले उसका ये तो बनाओ। अरे वो बना नहीं, पटली को पूरा गीत नहीं रखो बस पटली। ओके तो गाइस ये है सेमी बंगाली साड़ी पहना रहे हैं हम लोग और इस तरह से। हाँ अब उसको पकड़ के रखो तो पिन लग जाएगी बेटा उसको। तो गाइस पहले आपने देखी बंगाली साड़ी और अब ये लड़कियां प्रैक्टिस कर रही है सेमी बंगाली साड़ी का। काजल ओहो काजल एकदम गाल में खड्डे दिखा रही है, दिखा तो सच में दिखा ऊंचा ले बेटा थोड़ा। ये काय करायचं है? ओके दोन मिनट। तो गाइस एक क्लाइंट आई है तो मैं करवाती हूँ, एक मिनट हाँ आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये सेमी बंगाली साड़ी इस तरह से पटली लिया है और यही हाथ पे हमने पल्लू लिया है। डालो ये करो अभी वो पल्लू सीधा कर दो। तो गाइस ये है पूरी सेमी बंगाली साड़ी। वाओ मस्त लग रही है, साड़ी भी बहुत अच्छी है। काजल रेडी है शादी के लिए है ना, अच्छा लग रहा है। तो गाइस आपको समझा सेमी बंगाली साड़ी कैसे पहनते हैं? ये मैंने ऐसे ही रैंडमली शूट कर लिया, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो गाइस माइंड मत करना और सीखने की कोशिश करना। ओके तो गाइस ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।